अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो कान खोल कर एक बात सुन लें और समझ लें कि अब आपके जो शॉर्ट वीडियोस हैं उस पे व्यूज़ डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे जब आपका शॉर्ट यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, और आपके वीडियोस पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और ना ही आपकी वीडियो वायरल होगी। पहले 2-3-4 वीडियोज़ हम डालते थे शॉर्ट वीडियोज़ तो वायरल हो जाती थी बाई चांस, लेकिन अब आपकी वीडियोज़ वायरल नहीं होगी क्योंकि यूट्यूब की इस अपडेट के बाद अब आपके व्यूज़ डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो अपडेट क्या है? सो अगर उस अपडेट की बात कर लें फ्रेंड्स, तो पहले क्या होता था कि हम लॉन्ग वीडियोस को स्किप कर करके जो भी पार्ट हमें पसंद था या देखना होता था वो हम देखते थे, लेकिन अब आप शॉर्ट वीडियोस जो कि 30 सेकंड की अगर वीडियोस है तो आप उसे स्किप करके जो भी पार्ट देखना चाहें वो देख सकते हो। तो अगर एज अ व्यूअर अगर आप देखें तो ये जो अपडेट है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर शॉर्ट्स क्रिएटर है तो आपके लिए ये अपडेट बहुत ही बेड है, क्योंकि अगर जो व्यूअर है वो आपके 30 सेकेंड के वीडियोस को भी स्किप कर करके देखेगा तो आपकी क्या होगी, व्यू ड्यूरेशन कम होगी और आपके व्यूज़ इससे क्या होगा कि एल्गोरिदम को पता चलेगा कि आपकी वीडियोस में शॉर्ट वीडियोस में दम नहीं है, इसीलिए आपके व्यूज़ कम होना स्टार्ट हो जाएंगे और एंड में क्या होगा कि आपके जो शॉर्ट्स हैं उन पर व्यूज़ ही नहीं आएंगे। ये काफ़ी बेड अपडेट है जो शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, क्योंकि अब उनके शॉर्ट यूट्यूब चैनल जब मोनेटाइज होंगे तो उनके व्यूज़ भी कम आएंगे, अब उन्हें इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि एक लॉन्ग वीडियो क्रिएटर अपने वीडियोस में करता है, उसी तरीके से आपको भी अपने शॉर्ट वीडियोस में जान डालनी पड़ेगी, वरना आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी और ना ही आपकी वीडियोस पर व्यूज़ आएंगे और ना ही इतनी आपकी अर्निंग होगी। सो फ्रेंड्स, यही थी बेड अपडेट। तो आपको कैसी अपडेट लगी ये ज़रूर बताएं। मुझे तो एज अ व्यूअर बहुत ही अच्छी अपडेट लगी, और एज अ क्रिएटर अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही बेड अपडेट है। तो आपको ये कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, एंजॉय करें फ्रेंड्स।